और इस बीच शमी की पत्नी हसीन जहां का पूर्व पति सैफुद्दीन भी सामने आया और उसने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में बताया कि हसीन जहां बेहद महत्वाकांक्षी महिला है। जो अभी चल रहा है शमी का ऊपर, ये तो बहुत ही खराब समय है अभी शमी का। आहिस्ते आहिस्ते इंशाल्लाह टल जाएगा, ठीक हो जाएगा। अभी तो अगर शमी और हसीन एक जगह बैठ के ये बात को सुलझ दे तो मेरा ख्याल से काल से ही फिर शुरू ठीक हो जाएगा। और शमी का भी बुरा वक्त चल रहा है, इंशाल्लाह वो भी ठीक वो आ जाएगा इंशाल्लाह। वो भी बहुत मेहनत करके इंडिया टीम में चांस मिला है उसको। वहीं हसीन जहां के पिता और मोहम्मद शमी के ससुर मोहम्मद हुसैन ने उम्मीद जताई कि मामला जल्द ही सुलझ जाएगा। हमको उतना कुछ मालूम नहीं है, सच्चाई क्या है नहीं है, जो कंप्लेन किया है उसका बस क्या एविडेंस है क्या नहीं है वही खुद बता सकेगा। हम तो अभी तक कुछ देखा नहीं, कुछ सुना भी नहीं, कुछ जानते नहीं। हम जो जानते हैं आप लोग के बारे सुने हैं, आप ही लोग का मुख से सुने हैं या टीवी का न्यूज में देखे हैं, बस इतना ही। 2014 में शादी हुई, अब 2018, इतने सालों में कभी भी आपने सुना किसी भी तरह की अनबन पति के साथ उनकी हुई शमी के साथ? ना, ऐसा बात हम लोग कभी कोई नहीं, हमारा फैमिली भी कोई नहीं सुना, हम लोग भी नहीं सुना था। मेरा लड़की जो भी जानता था चाप के रखा था कि हम लोग अपने के अंदर में उसको सॉल्व कर लेंगे, हल कर लेंगे। शमी को बहुत 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 बार समझाया, 2 साल से समझाया है। जब खुदा को मालूम वो शमी क्यों नहीं उसका बात को ये क्या कहा ऐसा किया, आप इसका बारे शमी भी डिटेल्स बोल सके।